आज के स्टूडियो में आप जान सकते कि आपके पास जो लाइट का बिल है उसमें आप कैसे देख सकते कि आपने कौन से महीने में कितने यूनिट यूज किए हैं और आपको एक यूनिट का कितना रुपए देना पड़ता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यहाँ पे मेरे पास एक जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का बिल है जो कि राजस्थान का है। अब इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास जो बिल है उसमें आपने कौन से मंथ में कितने यूनिट यूज किए उसको आप कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि ये जो बिल है उसके अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने कौन से महीने में कितने यूनिट यूज किए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो बिल है इसमें आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है वर्तमान पठन तिथि, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है 30/5/2022 और यहाँ पे है 30/3/2022। मतलब यहाँ पे जो रीडिंग होती है वो दो महीने की रीडिंग होती है। तो जो ये लास्ट टाइम जो यूनिट की जो रीडिंग हुई है वो है 30/3/2022 और 30/3 को हमारे जो यूनिट थे वो थे यहाँ पे 5,441 और उसके बाद जो रीडिंग हुई है वो है 30/5 को, तो उसके बाद जो यूनिट थे वो थे 6,081। अब इन दोनों को यदि माइनस करते हैं तो हमारे जो टोटल यूनिट दो महीने के जो होते हैं उसको यदि हम देखना चाहते तो यहाँ पे उपयोग केंद्र हम देख सकते हैं कि हमारे जो टोटल यूनिट दो महीने के जो होते हैं वो 646 होते हैं और 646 यहाँ पे टोटल यूनिट होते हैं हमारे। अब यदि हम देखना चाहते हैं कि हमें जो यूनिट हमने यूज किए हैं तो एक यूनिट का हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं, यदि उसका आप हिसाब निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे यदि आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ मिलता है विद्युत खर्च, तो हमने जो खर्च किया है वो 6,286। और अब हमें क्या करना है कि ये जो विद्युत खर्च है, ये जो रुपए हैं, इसमें हमें जो भाग देना है वो है 640 का। तो अब यदि हम 640 का इसमें भाग देते हैं तो यहाँ पे जो विद्युत खर्च है उसके अंदर हम यदि अपना जो उपयोग मतलब जो यूनिट है उसका यदि भाग देते हैं तो हमारा जो एक यूनिट का जो रुपए यहाँ पे बनते हैं वो 6.70 पैसे बनते हैं, जो कि यहाँ पे घर यूज के लिए होता है। यहाँ पे जो शॉप के लिए जो होता है उसका अलग यूनिट होता है, मतलब शॉप के हिसाब से आपको अलग यूनिट का पैसा ज्यादा लगता है और यदि आपका घर का यदि बिल है तो उसमें कम लगता है। तो मेरा जो ये बिल है वो किसी के घर का है तो यहाँ पे जो एक यूनिट का जो पैसा लगता है वो यहाँ पे 6.70 रुपए लगभग लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ से आपके पास जो विद्युत खर्च है उसके अंदर आप यहाँ पे जो यूनिट है उसको भाग लगा के आप एक यूनिट का हिसाब निकाल सकते हैं और आपने कितने यूनिट यूज किए वो यहाँ पे आप यहाँ पे इसके अंदर से माइनस करके यहाँ पे हिसाब निकाल सकते हैं। यहाँ पे वर्तमान पठन के अंदर से आपको गत पठन का जो है उसको माइनस करना है, जिससे कि आपको दो महीने का जो यूनिट खर्च किए वो यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रीडिंग होती है वो दो महीने की होती है। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।